सेकंड पार्ट शुरू करते हैं मीराबाई वाले चैप्टर का। तो रानी कहती है, वंस थॉट्स कम अनबिडन, किसी के भी जो थॉट्स है वो अपने मन से आती है। द गर्ल हैज नॉट बीन सीमली एंड रिफ्यूज टू ऑनर दुर्गा द गॉडेस ऑफ अ हाउस। जो गर्ल जो लड़की है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं रह रही है और इसने दुर्गा जी की पूजा करने से मना भी कर दिया। तो राणा सांगा इस बात पे कहते हैं कि द रानी हैज जस्ट कॉज फॉर एंगर, तो रानी के पास में जो है गुस्से करने की सही वजह है। आई नाउ रिमेंबर दैट मीराबाई ब्रॉट विथ हर फ्रॉम हर होम द इमेज टू विच शी मेक्स हर डिवोशंस। मुझे याद है कि रानी वो जो मीराबाई है वो लेकर के आई थी एक मूर्ति अपने घर से जिसकी वो पूजा करती रहती है। इट विल नॉट डू टू लेट सो यंग अ गर्ल हैव हर ऑन वे, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि इतनी एक छोटी लड़की को जो है अपने तरीके सब कुछ करने दिया है। समन हर एंड आई माई सेल्फ विल रीजन विथ हर, उसे बुलवाओ यहाँ पे, मैं खुद उससे डील करूँगा। रानी बोलती है, माई लॉर्ड यू विल बी फर्म एंड नॉट अलाउ हर टू वीकन योर डिसीजन विथ चाइल्डिश टीयर्स। बोलती है कि प्रभु आप उसे अपने चाइल्डिश टीयर्स से, अपने आंसुओं से अपने डिसीजन को कमजोर करने के लिए कमजोर मत करने दीजिएगा। तो राणा सांगा बोलते हैं इसके ऊपर, टीयर्स ऑल वुमेन क्राई फॉर वॉट दे वॉन्ट एंड ऑफन कैन नॉट हैव। थोड़ा कंटेम्पचुअस होकर के बोलते हैं ये, मतलब थोड़ा तिरस्कार उस रानी की बात का करते हुए कि आंसू, हर औरत रोती है और हर औरत कोई भी चीज़ नहीं होती है तो उसे पाने के लिए रोती है, लेकिन हमेशा उसे मिल नहीं पाता। भोजराज बोलता है, भोजराज हु एंटिसिपेट्स अ सीन फॉर विच ही हैज़ नो डिज़ायर। भोजराज जो कि एक ऐसा दृश्य एंटिसिपेट, मतलब कि अनुमान लगा रहा होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे, जो वो कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो ऐसी चीज़ का उसे अनुमान पहले ही लग जाता है। तो वो कहता है, आई मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू डिपार्ट, आई हैव सम बिजनेस विथ माई आर्मरर। मैं अनुमति चाहूँगा यहाँ से अभी जाने की, क्योंकि मुझे अपने आर्मरर से कुछ काम है। आर्मरर जो कि अस्त्र शस्त्र का हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति। तो ही बोज एंड प्रेजेंट्स हिज सोर्ड टू राणा हु टचेस इट विथ अ शार्प ग्लैंस एट हिज सन एंड भोजराज रिटायर्स। तो भोजराज जो है राजा के सामने अपनी तलवार को प्रेजेंट करता है और राणा जो है उस तलवार को छूते हैं, एक तेज नज़र से अपने बेटे की ओर देखते हैं राजा, और भोजराज वहाँ से चले जाता है। फिर राणा सांगा बोलता है, I will see the girl at once. मैं उस लड़की को अभी देखना चाहता हूँ। Claps his hands sharply. A female attendant appears. तो अपन एक ताली बजाता है और एक female attendant आती है। Send to the quarters of the princess Mirabai and say the Rana desires her to come swiftly to him. How much I hate this business of seeing the girl. तो वो बोलता है कि जाओ उस मीराबाई को बुला करके लाओ, मैं उसे अभी मिलना चाहता हूँ, और बोलो कि राजा जी आपसे अभी मिलना चाहते हैं। और अटेंडेंट जो है जल्दी से भाग जाती है वहाँ से उसे मीराबाई को बुलाने के लिए। और राणा बोलता है कि हाउ मच आई हेट दिस बिजनेस ऑफ सीइंग द गर्ल, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि उस लड़की को बुलाओ और उससे बात करो। रानी बोलती है, आई होप शी कम्स बिफोर यू विथ सबमिशन, मैं आशा करती हूँ कि वो नम्रता से पेश आए आपके सामने। राणा सांगा बोलता है, ओ शी इज़ ऑलवेज वेरी जेंटल, वो हमेशा से ही जेंटली बिहेव करते आई है। रानी बोलती है कि आउटसाइड माई लॉर्ड, वो बाहर की दुनिया में अच्छा बिहेव करती है। द गर्ल इज एज हार्ड एज ग्रेनाइट, हर माइंड मेड अप। लड़की जो है ग्रेनाइट की तरह मजबूत है, उसके दिमाग को मेड अप कर दिया गया है, मतलब कि उसके दिमाग को थोड़ा ब्रेन वॉश टाइप से कुछ कर दिया गया है। डिड यू सी जयमाल्स फेस व्हेन ही डिपार्टेड, क्या तुमने जयमाल का चेहरा देखा जब वो गया है यहाँ से। द लुक ही गेव मी वॉज लिटिल शॉर्ट ऑफ मर्डरस, जिस तरह का लुक उसने मुझे दिया है वो एक जैसे मर्डरस टाइप का लुक था। राणा सांगा, यू ट्राइड द लैड्स टेम्पर टू मच, राणा सांगा बोलता है, लैड मतलब वो लड़का, राणा सांगा बोलता है कि तुमने उस लड़के का पेशेंस बहुत ही ज़्यादा टेस्ट कर लिया था। रानी बोलती है, दिस चिल्ड्रन हैव थिंग्स जस्ट एज दे चूज, ये आजकल के बच्चे जो है ये लोग उस तरह की चीज़ें, मतलब जिस तरह की चाहते हैं उस तरह की ही चीज़ें पा लेते हैं। इफ आई हैड डिफाइड माई हस्बैंड्स मदर, I should have felt her hand heavy upon me, even though my blood was 7 times royal. अगर मैंने अपने हस्बैंड की जो माता जी से इस तरह का बिहेव किया होता या इस तरह से उन्हें जवाब दिया होता या विरोध किया होता उनका, तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़ोरदार तमाचा पड़ जाता।
भली मतलब इसके बावजूद भी कि मेरा जो खून था वो तो इससे 7 गुना ज्यादा मतलब रॉयल था, बट आई वॉज डुसाइल एंड सॉट टू प्लीज, ऑफन आई वेप माई सेल्फ टू स्लीप, लेकिन मैं बहुत ही नम्रता से रहती थी हमेशा और हमेशा संतुष्टि देना चाहती थी उन्हें। हालांकि मैं काफी बार रातों में रोते हुए सोई हूँ। राणा सांगा बोलता है, एंड येट नो वन कुड से दैट यू लैक स्पिरिट और आर क्वाइट क्रश्ड बाय वॉट शी मेड यू सफर, लेकिन फिर भी कोई भी ये नहीं कह पाया या कि तुम में स्पिरिट की कमी है या तुम्हारी स्पिरिट जिस तरह से मतलब उन्होंने तुम्हारे साथ में बिहेव किया उसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिट थोड़ी कम हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रानी कहती है, द व्हील ऑफ टाइम गोज राउंड, समय का पहिया घूमते जाता है। ही कम्स द गर्ल, लो लड़की आ गई। आई विल रिटायर इन टू एन इनर चैम्बर इन केस हर ऑब्स्टेंसी मेक मी क्राई आउट इन इंडिग्नेशन दैट वन शुड बी सो बोल्ड एज टू डिफाई माई लॉर्ड। लो लड़की आ गई, मैं जा रही हूँ जो बगल वाले चैम्बर में वहाँ जाकर के छुपी रहूंगी इन केस हर ऑब्स्टेंसी, कहीं उसकी जो है जिद मतलब मुझे चिल्लाने पे मजबूर ना कर दे क्योंकि गुस्से में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रभु से कोई भी मतलब बहस करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह की बात बोल करके वो चली जाती है। द रानी डिसअपीयर्स थ्रू अ लिटिल डोर, एक छोटे से दरवाजे से चली जाती है वो, बट डज नॉट क्वाइट क्लोज इट, लेकिन पूरी तरह से उस डोर को बंद नहीं करती। मीराबाई एंटर्स फॉलोड बाय हर नर्स एंड एन अटेंडेंट, तो मीराबाई अंदर आती है, अपने साथ में एक नर्स उसकी होती है और एक अटेंडेंट भी होती है। द प्रिंसेस मेक्स अ लो ऑब्सेंस टू द राणा एंड देन स्टैंड्स विथ बेंट हेड एंड फोल्डेड हैंड्स बिफोर हिम, आती है अपने सर को नम्रता से झुकाती है राणा जी के सामने और अपने सिर को झुकाते हुए अपने हैंड्स को फोल्ड करते हुए, शी इज़ वेरी लवली एंड अबाउट 16 ईयर्स ओल्ड। ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मीराबाई विथ फ्राइटेंड ग्लैंस, मीराबाई थोड़े डरी हुई नज़र से बोलती है, मे नॉट माई ओल्ड नर्स स्टे, क्या मेरी ये जो ओल्ड नर्स है कि यहाँ पे रुक सकती है। राणा सांगा बोलता है, देन लेट हर रिमेन, रुकने दो उसे, बट टेल हर टू फेस अवे फ्रॉम द रॉयल कुशन, लेकिन उसे कहो कि रॉयल कुशन से अपना चेहरा हटा ले। मीराबाई मूव्स टुवर्ड्स वेयर द एल्डर ऑफ हर अटेंडेंट्स इज वेटिंग एंड प्लेसिंग हर हैंड्स वेरी लाइटली ऑन हर शोल्डर्स टर्न्स हर राउंड, द अदर अटेंडेंट गोज आउट। तो जो ओल्डर जो जो बड़ी उम्र की जो अटेंडेंस है उसको जाकर के उसके ऊपर बहुत ही नम्रता से अपन उसके कंधों पे अपना हाथ रखती है और मतलब बहुत ही प्यार से हैंडल कर लेती है और ये दोनों लोग घूम जाते हैं वहाँ से। ठीक है, राणा सांगा स्टैनली बोलता है कि प्रिंसेस इल टेल्स हैव रीच्ड माई ईयर्स ऑफ योर बिहेवियर सिंस यू बिकेम अ डॉटर ऑफ अ हाउस, आप हमारी घर की बेटी बनी हो उस समय से जो है कुछ बातें सुनने के लिए मिली है मुझे जो कि अच्छी नहीं लगी सुन के। मीरा भाई बोलती है, माई लॉर्ड वॉट हैव यू हर्ड, प्रभु क्या सुना आपने बताइए। तो राणा सांगा बोलता है कि दैट यू डिफाई द रानी, कि आपने रानी से थोड़ी कुछ बदतमीजी वगैरह की या उनका विरोध किया। मीराबाई बोलती है, आई हैव डन माई बेस्ट टू शो अ प्रॉपर मीकनेस, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया एक प्रॉपर मीकनेस देने के लिए मतलब प्रॉपर नम्रता से पेश आने के लिए। राणा सांगा बोलता है, टश गर्ल यू एंड योर प्रॉपर मीकनेस, अरे लड़की तुम और तुम्हारी प्रॉपर मीकनेस, एंड वॉट अबाउट योर वर्शिप ऑफ कृष्णा, नोइंग द कस्टम हियर इज टू पे फुल डिवोशन टू दुर्गा द गार्जियन ऑफ आ स्ट्रेंथ, ये और वो तुम्हारे कृष्ण भगवान की पूजा के बारे में क्या ये जानने के बाद में भी कि हमारे यहाँ जो दुर्गा जी की पूजा की जाती है जो कि हमारे गार्जियन है, हमारी स्ट्रेंथ की गार्जियन है। मीराबाई इन ट्रेम्बलिंग टोन्स, ट्रेम्बलिंग टोन्स में वो लड़खड़ाती जबान में बोलती है कि वंस फेथ इज वंस ऑन, कि जिसकी जैसी श्रद्धा। राणा सांगा बोलता है, वॉट्स दैट, लेट मी हियर नो मोर ऑफ दिस डिफाइंस, ये क्या था, मैं किसी भी तरह का विरोध सुनना नहीं चाहता। फ्रॉम दिस डे फोर्थ यू वर्शिप दुर्गा एंड पुट योर आइडल आउट ऑफ साइट,
आज से तुम सिर्फ दुर्गा जी की पूजा करोगी और ये कृष्ण भगवान की मूर्ति को यहाँ से हटा दो मेरी नजरों के सामने से। आई विल नॉट बी डिफाइड, आई लॉर्ड ऑफ मेवाड़, यू अ मियागल, मेरा विरोध नहीं किया जाएगा, मैं मेवाड़ का राजा हूँ और तुम एक मामूली लड़की। एज इफ यू कुड नो वॉट यू वॉन्टेड, जैसे कि तुम सब जानती हो कि तुम्हें क्या चाहिए, वो सब तुम्हें मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीरा बाई, माई लॉर्ड, इफ आई मस्ट सीज टू वर्शिप कृष्णा देन आई शेल डाई, प्रभु अगर मैं कृष्ण जी की पूजा बंद कर दूँ तो मैं मर जाऊँगी। राणा सांगा टेकन अ बैक, बोलते हैं कि वॉट बाई योर ऑन हैंड, थोड़ा सा शौक होकर के मतलब बोलते हैं कि क्या अपने हाथ से अपने आप को मार डालोगी। मीरा बाई बोलती है जेंटली, ओ नो माई लॉर्ड ऑफ ग्रीफ, नहीं प्रभु मैं दुख से मर जाऊँगी। राणा सांगा विथ एन इम्पेशेंट साउंड, एक इम्पेशेंट साउंड से बोलता है, यू आर सिक विथ टू मच ब्रूडिंग, ये बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह में लीन होकर के और चिंता में लीन होकर के, जिस तरह की चिंता जो तुम कर रही हो उसमें तुम लीन होकर तुम जो है पागल हो गई हो। मिक्स विथ द वुमेन, प्ले विथ द चिल्ड्रन अंटिल सम ऑफ योर ओन नीड ऑल यू केयर, गेट सम न्यू ट्रिंकेट्स, I will order that you may have a necklace of rare stones, some anklets, but refrain from Krishna worship or there will be no more peace betwixt you and me. तो ये कहता है कि जाओ महिलाओं के साथ में मिलो, बच्चों के साथ में खेलो, जब तक कि तुम्हारी सारी ज़रूरतें मतलब पूरी होते हुए तुम्हें न महसूस हो जाए। गेट सम कुछ नए गहने मंगवा लो या मैं तुम्हें मंगवा देता हूँ, कुछ बेशकीमती पत्थरों के गहने, कुछ एंकलेट्स, लेकिन वो कृष्ण भगवान की पूजा करना बंद कर दो अभी से ही, वरना तुम्हारे और मेरे बीच में कभी भी शांति नहीं रह पाएगी। मीरा बाई टेयरिंग हर रोब असाइड एंड बेरिंग हर चाइल्डिश थॉट बोलती है कि आई कैन नॉट डू योर विश माई लॉर्ड, सो किल मी, लेट योर ब्राइट सॉर्ड सेटल दिस मैटर एंड माई ब्लड वॉश राइट अवे ऑल मेमोरी ऑफ दिस क्वारल, आपकी जो है तलवार को मैं, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगी इसलिए मुझे मार डालिए, आपकी तलवार को ही ये मैटर सुलझा लेने दीजिए और मेरे खून को, ये सारी जो झगड़े की जो हमारे बीच में हो रही है इसकी मेमोरीज को मिटा लेने दीजिए, धो लेने दीजिए। तो राणा सांगा टू हिमसेल्फ इन ग्रेट पर्टर्बेशन बोलता है कि खुद के से मतलब मन में कहता है कि द गर्ल इज मैड, हर ग्रेट आईज सीम टू बर्न मी, लड़की बिल्कुल पागल है, इसकी जो है ग्रेट आईज जो है ये तो मुझे जला देगी। टू मीरा बाई, तो मीरा बाई से वो कहता है यू आर बिसाइड योर सेल्फ, लीव मी बट लेट मी हियर नो मोर ऑफ दिस डिफाइंस, यू आर बिसाइड योर सेल्फ कहता है तुम जो है बहुत ज़्यादा चिंता में इस हो इस बात की और इतनी ज़्यादा चिंता से तुम जो है हो गई है तुम्हें कि तुम अपनी इस चीज़ों से ओवरकम नहीं हो पा रही हो, ठीक है लियो मी, मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो और मुझे और ज़्यादा विरोध नहीं सुनना है, इस बात का ध्यान रखो। माई माइंड इज़ हैवी विथ द अफेयर्स ऑफ स्टेट, राज्य के मामलों से वैसे ही मेरा दिमाग बहुत भारी हो चुका है, आई नीड नो अदर सोर्स ऑफ सोरो, मुझे चिंता के लिए और कोई सोर्स नहीं चाहिए। रिमेंबर यू आर अ राजपूतनी, ध्यान रखो कि तुम एक राजपूतनी हो, एंड पुट अवे दिस सिकली हैबिट, और ये सब फालतू की आदतें हटा दो। ब्रेस योर सेल्फ अप टू बी द मदर ऑफ सन्स हु सम ग्रेट डे मे होल्ड चित्तौड़ अगेंस्ट इट्स फोर्स, खुद अपने आप को ब्रेस करो, मतलब अपने आप को ऐसा मौका दो कि तुम्हारे बच्चे हो और मतलब ऐसे बच्चों को जन्म दो जो कि फ्यूचर में चित्तौड़ की रखवाली करे दुश्मनों से। नाउ गो, अब जा सकती हो। He turns his face away from Mirabai's pleading eyes and she, realizing that his mind is quite made up, bows her head before him and silently goes out of the room. The old nurse follows her, tears pouring down her wrinkled cheeks. तो वो समझ गई है कि अब ये महाराज जो है नहीं सुनने वाले कुछ भी, और वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और उसकी जो ओल्ड नर्स है वो भी उसके पीछे आ जाती है। तो सीन वन यहाँ पे इसका कंप्लीट होता है, सीन टू को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।